Good morning, students. Today we are starting our new chapter of civics, that is the democratic government. And you know about the democracy. What is democracy? In a democratic government, the people, the representatives are elected by the citizens, right? इससे पहले क्या सिस्टम था? गवर्नमेंट गवर्नमेंट में क्या फॉर्म थी? मोनार्की, राइट? वेयर द किंग और द क्वीन रूल अ कंट्री, जिसमें क्या होता था, किंग या क्वीन कंट्री पर रूल करते थे. दे होल्ड द कंट्री, ऑल द पावर्स दे होल्ड इट, एंड ही और शी, किंग और क्वीन मींस एंजॉयड ऑल द पावर्स, सारी पावर्स वही एंजॉय करते थे. मेन जो डिसीजन मेकिंग पावर होती थी वो किंग और क्वीन के पास ही होती थी मोनार्की सिस्टम में. ऑल दो हेल्प बाय द एडवाइजर्स एंड द फाइनल डिसीजन ले इन द हैंड ऑफ द मोनार्क, कि फाइनल डिसीजन जो होता था, एडवाइजर्स उन्हें हेल्प जरूर करते थे, बट जो फाइनल डिसीजन था वो किंग या क्वीन का, चाहे मोनार्क मीन्स किंग या क्वीन कोई भी हो जो रूल करता है, उसके पास ही सारी पावर होती थी. धीरे धीरे सिस्टम क्या है, स्लोली इट इज कन्वर्ट इनटू डेमोक्रेटिक सिस्टम. मेनली कई कंट्रीज में जो है वो मोनार्की सिस्टम से डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया गवर्नमेंट का. तो फाइनली क्या हुआ, डेमोक्रेसी केम अप एज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर फॉर्म होगी क्योंकि इसमें जो था, पीपल्स, कॉमन पीपल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट. दे आर प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल इन द सिलेक्शंस ऑफ द लीडर्स, कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, किसी भी क्षेत्र में, तो मेन जो है वो मतलब सिटीजन्स को ही ये पावर दे दी गई कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव बाय वोटिंग चुन सकते हैं. तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स इन ग्रीक लैंग्वेज क्या वर्ड मतलब है, डेमो एंड क्रेटोस, दो वर्ड में डिवाइड किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, अथॉरिटी ऑफ द पीपल्स, यानी पीपल्स के बीच साथ में क्या होता है, पीपल्स को वो पावर होती है, सिटीजन्स के पास वो पावर होती है कि गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुनते हैं, गवर्नमेंट जो चलाते हैं. एज यू नो, इंडिया फॉलोज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, एंड दैट इज सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, वो सिटीजन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं किस चीज के लिए, टू रन द गवर्नमेंट, एंड रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल्स, यानी पीपल्स के इंटरेस्ट के लिए, उनके हितों के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, वो उनको ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं, वो अपने माइंड में रखते हैं उनके लिए ओपिनियन, उनकी प्रॉब्लम्स को, देन उनके थ्रू जो है डिसीजंस लिए जाते हैं. सेलेंट फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है, फर्स्ट इज द फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से चलाने के लिए क्या है, सबसे पहले कि इट इज नेसेसरी दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर डिसिप्लिन्ड एंड शुड वर्क फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे फिर ओपोजिशन हो या फिर रूलिंग पार्टी हो, तो सभी पार्टीज जो होती हैं वो डिसिप्लिन होना चाहिए उन्हें, और साथ ही साथ जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए उन्हें वर्क करना चाहिए, मतलब अपने कंट्री के इंटरेस्ट यानी हित के लिए, उनके बेनिफिट के लिए उन्हें वर्क करना चाहिए. डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन मस्ट होता है, यानी पब्लिक का ओपिनियन लिया जाता है किसी भी डिसीजन को लेने में, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में. तो पब्लिक ओपिनियन क्या है, यहाँ किसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट करना जो उनके वेलफेयर के लिए हो, उनके अच्छाई के लिए हो, राइट, उनके मतलब उनके वेलफेयर के लिए. इट पेयर्स द वे ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज. और ये क्या शो करता है डेमोक्रेसी, सोशल चेंज क्या है, पॉलिटिकल चेंज क्या आ रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी है वो क्या चेंज ला रही है, हमारी गवर्नमेंट जो है जो चीज़ चल रही है, और अपोजिशन पार्टी है. जैसे आपने सुना होगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है कि पार्टीज जो सिलेक्ट की जाती हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 5 ईयर्स के लिए वर्क करते हैं. जो वो वर्क करते हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए, मीन जो सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं, और इन फ्यूचर अगर वही पार्टी आनी है, अगर वो वही कोई वेलफेयर के लिए काम करती है उस अपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर,
तो ही इन फ्यूचर वो दोबारा से रूलिंग बन सकती है, अदरवाइज दूसरी पार्टीज भी उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, किसके थ्रू, सिटीजन्स के थ्रू। तो द सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कंट्री शुड एक्सेप्ट द व्यू एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें क्या है कि सभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि सिटीजन्स जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है वेलफेयर, उसकी अच्छाई के लिए, उसके भलाई के लिए काम करती है समाज की। तो शुड गिव अप सेल्फ इंटरेस्ट फॉर द सेम, ठीक है, उनका इंटरेस्ट भी उनके पब्लिक के इंटरेस्ट से मिलता होना चाहिए, यानी वो जो काम करें वो पब्लिक इंटरेस्ट का होना चाहिए। पीपल शुड बी वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, साथ साथ हमें जो ड्यूटीज दी गई हैं और उसके साथ राइट्स, राइट्स के साथ हमें ड्यूटीज भी दी गई हैं। अगर हमें कोई अधिकार हैं तो उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य भी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम अगर किसी कंट्री के सिटीजन्स हैं तो हमें ये ड्यूटीज है कि हम उसे बचा कर रखें, हमारी कंट्री को बचाने के लिए, हमारी कंट्री को सेफ रखने के लिए, उसके उसको सेफ रखें, उसको किसी भी तरह इसके से हानि ना पहुंचाए। एंड दे शुड बी अपडेटेड विद द पॉलिटिकल हैपनिंग ऑफ द कंट्री। पीपल्स के कुछ राइट्स भी हैं कि वो जो हैं उसे अवेयर होना चाहिए उनके बारे में, और वो गवर्नमेंट के थ्रू जो वर्क किए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो क्वेरी भी कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। तो वो जो है अपडेटेड रहना चाहिए। पॉलिटिकल हैपनिंग ऑफ द कंट्री मीन्स कि कंट्री में क्या चीज हो रहा है, क्या पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, या वेलफेयर प्रोग्राम, वेलफेयर जो वर्क हो रहे हैं वो उनके लिए हो भी रहे हैं या नहीं। राइट, ए लार्ज नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग अ स्मूथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कि अगर पूरी कंट्री को अच्छी तरीके से चलाना है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो क्या जरूरी है कि एक बहुत ज्यादा, यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना एरियाज को, और हर एरियाज के वेलफेयर के प्रोग्राम्स के लिए या वेलफेयर के लिए, पीपल्स की वेलफेयर के लिए वहां पर रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे क्या होगा, लार्ज नंबर के क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए जाएंगे थ्रू द पीपल्स जो कंट्री को रन करते हैं। एंड इनटॉलरेंट लॉर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर्स ऑफ द डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द लिबर्टी एंड इक्वेलिटी। बट जब अगर इसे एक्सट्रीम में कुछ यूज किया जाता है, या फिर किसी पर लिबर्टी से बाउंडेशन लगाई जाती है, या उन्हें इक्वल नहीं समझा जाता, तो ये क्या होता है, ये डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी को क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। यानी अगर हम किसी की लिबर्टी पर हम बैन लगाते हैं, किसी की स्वतंत्रता पर, या फिर उसे इक्वल नहीं समझते, तो वो डेमोक्रेसी का मतलब ही खत्म हो जाता है। हेंस इट इज असेंशियल दैट द गवर्नमेंट शुड हैव द फ्रीडम टू रूल एंड द ओपोजिशन शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस दियर ओपिनियन। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर जो पर्सन होता है जो रूल कर रहा है वो फ्री होकर रूल कर सकता है या डिसीजन ले भी सकता है, और ओपोजिशंस का क्या राइट होता है कि वो जो है अगर कोई गवर्नमेंट की किसी कोई उसे ऑब्जेक्शन है या कुछ ओपिनियन है तो वो फ्रीली अपना ओपिनियन भी दे सकता है। हेयर इज एन केस स्टडीज अबाउट द साउथ अफ्रीकन पीपल्स हु आर द ब्लैक हु आर कॉल्ड द ब्लैक पीपल्स। तो द एंटी अपार्थिड मूवमेंट्स वाज लॉन्च्ड बाय द ब्लैक पॉपुलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका। और ये जो है, ये पॉपुलेशन, ये मूवमेंट जो है उन पॉपुलेशन ने स्टार्ट किया था जो साउथ अफ्रीका के पीपल्स थे, बट ब्लैक पीपल्स थे, पर वहाँ जो रूल कर रहे थे दे वर द वाइट रूल पीपल्स साउथ अफ्रीका के। बट जो इनमें डिफरेंस किया जा रहा था, वाइट रूल पीपल्स थे और नॉन वाइट पीपल्स थे, उनको ट्रीटेड इक्वली ट्रीटेड नहीं किया जा रहा था। और कब ये हुआ था मूवमेंट, इन 1948 एंड 1994 में। तो दे हैड सेपरेटेड स्कूल्स। क्या होता था कि वाइट जो पीपल्स थे उनके अलग स्कूल्स होते थे, फैसिलिटीज भी उन्हें ज्यादा दी जाती थी, उनसे जो है इक्वली बिहेव नहीं किया जाता था। दे वर डिनाइड बेसिक रूल, बेसिक ह्यूमन पॉलिटिकल राइट्स। साथ ही साथ उन्हें जो बेसिक रूल्स, बेसिक जो राइट्स दिए जाते थे वो भी इक्वल नहीं थे। तो दे वर ट्रीटेड एज अनटचेबल, उन्हें अनटचेबल समझा जाता था। देयर ओन लैंड, जहाँ साउथ अफ्रीका के जो पीपल्स थे, जो ब्लैक पीपल्स थे, उन्हीं के लैंड पर उनको अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था, उनसे ट्रीट अच्छा नहीं किया जाता था। दिस पॉलिसीज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स बाय द वाइट। और ये पॉलिसीज कौन कर रहा था,
ब्लैक्स पर वाइट पीपल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका, और इसको हम साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज में क्या, अपार्थिड का क्या मतलब होता है, दैट इज द अपार्टनेस इन साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज. तो इसका मतलब क्या होता है कि उन्हें अलग समझना लोगों से, ठीक है, जो रूल कर रहे हैं वो अलग, और जो ब्लैक पीपल्स हैं उनके साथ बैडली बिहेव करना और इक्वली राइट उन्हें ना देना. द मूवमेंट वॉज लेड बाय द, और ये मूवमेंट किसने होल्ड किया था, ये मूवमेंट किसने संभाला था, नेल्सन मंडेला ने, जो नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे. और ये मूवमेंट जो है मंडेला ने सेंड किया, इस मूवमेंट की वजह से, इस आंदोलन की वजह से उन्हें 27 ईयर्स के लिए क्या है, प्रिजन में डाल दिया, जेल में डाल दिया. तो इन 1994 में जब उन्हें फ्री भी कर दिया गया, और क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी भी आ गई, उनका जो मूवमेंट था, उनका जो आंदोलन चलाया था उन्होंने ब्लैक पीपल्स के वेलफेयर के लिए, तो उन उससे क्या हुआ, लोगों को ये राइट मिल गया कि वो अपनी खुद की गवर्नमेंट बना सके एंड द वोट कर सके फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स. और फर्स्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन में वोट किया था इन 1994 में, विच वॉज वॉन बाय द नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला की वजह से ये हमें जीत, उन्हें जीत मिली थी. ही फॉर्म द फर्स्ट मिक्स्ड रेस गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वेयर द ब्लैक एंड द व्हाइट्स हैड इक्वल राइट्स अंडर द लॉ. इसमें क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका के जो पीपल्स थे, ब्लैक और व्हाइट पीपल्स थे, उन्हें इक्वली राइट दिया गया, इक्वल राइट दिया गया लॉज के अंडर, कि वो इक्वली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, चाहे फिर वो ब्लैक या व्हाइट ही क्यों ना हो. द मूवमेंट वॉज एन इम्पोर्टेंट इवेंट. ये मूवमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया, क्योंकि इसी मूवमेंट की वजह से जो है साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, डेमोक्रेसी आने लगी, जो चेंज हो गया सिस्टम उनके सिद्धांतों पर, प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के सिद्धांतों पर जो कंट्री है वो चलने लगी. दस लॉन्चिंग अ मूवमेंट इज ऑल्सो अ वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट. इससे मूवमेंट की वजह से ही जो है लोगों का पार्टिसिपेशन जो है गवर्नमेंट में बढ़ गया. अब यहाँ पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, इसे हम डिस्क्राइब करते हैं कि पार्टिसिपेशन मीन्स कि लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने में. इन अ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय द पीपल थ्रू इलेक्शंस प्रोसेस. इसमें क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, उसके थ्रू है गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं, दे रन द गवर्नमेंट. एंड इलेक्शंस इज अ फॉर्म द एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर्स टू सिलेक्टिंग समवन. इलेक्शंस में क्या होता है कि वोट के थ्रू किसी भी पब्लिक पब्लिक जो जिसे भी वोट देती है, सिटीजन जिसे भी वोट देते हैं, और किन लोगों को, किन सिटीजन्स को ये राइट दिया गया, दे हैव टू 18 ईयर्स ओल्ड और अबो, राइट, जो 18 साल से ऊपर हैं या फिर 18 ईयर्स के हैं, दे कैन वोट, दे कैन कास्ट देयर वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. इलेक्शंस हेल्प टू कीप इन कीपिंग अ चेक ऑन द पावर एक्सरसाइज बाय द इलेक्शन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. और इलेक्टेड जो पीपल्स है वो अपना काम जो है वेलफेयर के काम जो है वो करता है, और उसे राइट होता है, उसे पावर दी जाती है कि वो जो है अपने एरियाज में काम करे. इट इज द ड्यूटी टू ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव टू कीप इन माइंड द ओपिनियन ऑफ द पीपल. और ये ड्यूटी होती है, ये रिप्रेजेंटेटिव को ये ध्यान में रखना होता है कि अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है तो वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही हो, उसके ओपिनियन जो है वो लोगों को ध्यान में रखकर ही रखे जाते हैं, डिसीजन जो है लिए जाते हैं. इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. हर 5 साल के बाद क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, जो 18 ईयर्स के लोग हैं वो वोट करते हैं एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय, और किसे चूज करते हैं, ही जो जिसे जो ऑनेस्ट हैं, जो डिवोटेड हैं, सिंसियर हैं, तो उन्हें रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है. पार्टिसिपेशन ग्रांट्स पीपल्स द पावर टू ब्रिंग अबाउट चेंज इफ द गवर्नमेंट डज नॉट परफॉर्म. और नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव चेंज भी हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट से सिटीजन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और अगर गवर्नमेंट जो है अपना काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं करती है, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स बदल भी दिए जाते हैं, यानी लोग जो है फिर पहले वाले रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं करते हैं. अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग
इसके अलावा मींस अगर वोट ना दें तो उसके अलावा क्या क्या पार्टिसिपेशंस का है सिटीजन्स, और किस चीज में पार्टिसिपेट करती है? पीपल पार्टिसिपेट्स बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट एंड इवन बाय द क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसीज को पसंद नहीं करती हैं सिटीजन्स तो उसके खिलाफ जो है वो उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, अपने व्यूज भी बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन्स उन्हें ये भी राइट दिया जाता है। पीपल सेवरली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट अबाउट द रिसेंट हाइक इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, कि लोग जो हैं किस चीज पर अभी जो हाल में ही हुआ है कि जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए गए, तो लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया क्योंकि लोग जो है सेटिस्फाइड नहीं थे प्राइसेस बढ़ाने से। तो क्या हुआ, इससे डिबेट्स हुई टेलीविजन्स पर कि लोगों की लाइफ पर ये फ्यूल के प्राइस बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो इससे कई डिबेट्स भी हुई, स्ट्राइक्स भी हुई, और कई जगहों पर मार्चेस भी किए गए, बैंड भी किए गए। तो लोगों ने इसके अगेंस्ट जो है वो आवाज उठाई बिकॉज दे वर नॉट सेटिस्फाइड। अल्टीमेटली क्या हुआ, द गवर्नमेंट हैड टू कंसीड टू द डिमांड ऑफ द पीपल्स। लास्टली क्या हुआ कि गवर्नमेंट को जो है वो लोगों की डिमांड को मानना पड़ा, यानी उन्हें इन बाद में क्या हुआ, प्राइजेस को घटा दिया गया, प्राइजेस को कम कर दिया गया। राइट, द नेक्स्ट टॉपिक पब्लिक ओपिनियन वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, thank you students. Have a nice day and take care.